तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल। तो यार इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एस वन, भाई क्या होती है इक्वेशन, एस वन प्लस लेमडा एस टू इक्वल टू जीरो होती है ना, ठीक है ना। अब एस वन क्या है बच्चों, और मैंने क्या बोला था आपसे कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम बना लेना, ओके। तो अगर अभी फिलहाल तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3y, ओके, प्लस लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, आप या तो 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन में, ठीक है ना, और अगर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना, अभी फिलहाल तो। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7/2y माइनस का 25/2 इक्वल टू जीरो। मैंने आपसे इसलिए बोला था ताकि आपको दो दो चीज़ें याद रखनी ना पड़े कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप 1 ही रखो ताकि कभी कोई दिक्कत ही ना आए। अब ये सर्कल है, दिस सर्कल पासिस थ्रू 1,1, तो दिस सर्कल पासिस थ्रू 1,1 1,1, ये सर्कल जो है वो किससे पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है, क्लियर। तो ये सर्कल जो है वो 1,1 से पास कर रहा है भाई, ओके, तो 1,1 से पास करा दो इसे, कितना आ जाएगा ये 1 + 1 + 13 माइनस का 3 प्लस का लैम्डा 1 + 1 + 2 माइनस का 7/2 माइनस को 25/2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों, सर 7/2 और 25/2 क्यों किया, मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर अपने को सर्कल के बारे में कभी टेंशन ही नहीं लेनी है कि कब डिवाइड करना है कब नहीं करना है, तो आप तो हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 ही रखो ताकि कभी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो और पूरे सर्कल में आपको कुछ एक्स्ट्रा याद ना रखना पड़े। अब कब करेंगे कब नहीं करेंगे इस चीज़ में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत है, तो हमेशा ही क्या करो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आ जाएगा, आंसर पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, लेकिन अपन तीन तीन चार चार चीज़ें क्यों याद रखें, एक ही चीज़ काफ़ी है कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस खत्म बात। चलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, यहाँ से 12 आ गया प्लस लैम्डा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और माइनस का 25, ये कितना 32/2 क्लियर इक्वल टू जीरो। देन ये कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 12 प्लस लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू जीरो, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है ना, ठीक है, ये आपके पास 1 आ गया, ओके। अब नाउ लैम्डा की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, आप इस फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लैम्डा आ गया, जैसे कई बार पिछली क्लास में मुझसे बच्चों ने पूछा था कि सर लैम्डा किस तरीके से निकालेंगे, तो यार लैम्डा को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो मैंने यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दिया बच्चों, ओके। तो आपका लैम्डा इसमें रखने पर देखो आप कितना कैलकुलेशन आता है, ओके, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, देन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7/2y माइनस का 25/2 इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड 13 + 2 = 15 का x, और यहाँ से अगर हम इसे माइनस करेंगे 6 13, तो माइनस का 13y/2, ठीक है, 6 + 7 = 13, ओके, और यहाँ से माइनस का 25/2 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 13y माइनस का 25 इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई यहाँ पे कि इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, हाँ क्लियर है आप लोगों को, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो बताइए, अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताएं, क्लियर है, ओके, वेरी गुड यार, अब तो आप स्पीड में समझने लगे हो चीज़ों को, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त।
अगला क्वेश्चन आप सब लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप सब लोगों से आंसर चाहिए उसका। ओके तो आगे की तरफ चल रहा हूँ बच्चों मैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का टू वाई प्लस का फोर इक्व टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर वाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो एंड सेंटर लाइज ऑन वाई इक्व टू एक्स लाइन एंड द सेंटर लाइज ऑन वाई इक्व टू एक्स लाइन। ठीक है ना। अब की बार क्या है, उसने सेंटर आपको y इक्व टू एक्स लाइन पर दिया है। पिछली बार वो किससे पास कर रहा था, ओके 1,1 से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सेंटर जो है वो y इक्व टू एक्स लाइन पर लाई करेंगे। हाँ भाई बताइए, ये भी आसान है, सेंटर निकाल के y को टू एक्स पे आपको रखना है बस। तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है अपने पास, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आपको ये तो पता ही है कि यार s1 वन प्लस लेमडा एस टू इक्व टू जीरो आ जाएगा। भाई अगर दो सर्कल से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एस वन प्लस लैम्डा एस टू। क्लियर। ये तो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया था कि यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ही आपको दिख जाए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो सर्कल्स, तो एस वन प्लस लैम्डा एस टू याद रख लो। क्लियर। अब इसमें एस वन कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का टू वाई प्लस का फोर प्लस लैम्डा। एस टू कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर बाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो। ये भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है कि एस वन एस टू किसी को भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मिनट इस बात में मत लगा देना कि एस वन किसे माने एस टू किसे माने, किसी को भी मान लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ओके नाउ अब बात करते हैं हम किसके इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से किस तरीके से आएगा ये, वेरी गुड विधि, ठीक है ना, वेरी गुड। तो नाउ यार यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस लेमडा, क्लियर, देन वाई स्क्वायर वन प्लस लेमडा, देन यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स अगर हमने लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सिक्स प्लस टू लेमडा, और अगर आपने वाई लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू माइनस फोर लेमडा। क्लियर। और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस सिक्स लेमडा इज इक्व टू जीरो। क्लियर है, ये आ गया अपने पास। नाउ सेंटर कितने आ जाएंगे सर्कल के, सेंटर आ जाएंगे बच्चों इसमें एक्स के कोफिशियंट का आधा, यानी कि माइनस का माइनस टाइम्स माइनस सिक्स प्लस टू लेमडा अपॉन टू, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस टाइम्स टू माइनस फोर लेमडा अपॉन टू। क्लियर है। अगर आप इसे देखने में थोड़े से सक्षम हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सेंटर जो होगा ना, सेंटर उसे आप क्या लिख सकते हो, उसे लिख सकते हो आप थ्री माइनस लेमडा, और इसे लिख सकते हो आप माइनस का टू, यानी कि माइनस का वन प्लस टू लैम्डा। क्लियर। अब उसने बोला ये दोनों जो सेंटर है वो वाई कोस टू एक्स वाली लाइन पर है, वाई कोस टू एक्स वाली लाइन पर है, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट तो ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका मतलब माइनस का वन प्लस टू लैम्डा इज इक्व टू थ्री माइनस लैम्डा होना चाहिए। वाई वाई कोस टू एक्स वाली लाइन पर तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम ही होते हैं, अगर वाई कोस टू एक्स लाइन है तो दोनों सेम ही होंगे ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब आप आगे कर लो इसको, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये
ये इधर गया, लैम्डा तो दी हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4, देन लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 करें तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4/3 आ रही है। लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है आपके पास। अगर आप इस लैम्डा की वैल्यूज को उठा के अब आप इसमें पुट कर दोगे ना, बैक पुट कर दोगे, तो पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, आप इसमें पुट कर दो या ऊपर वाले में, एक ही बात है, खैर क्लियर। तो द राइट आंसर इज 7x² प्लस 7y², क्लियर। 7x² प्लस 7y² माइनस का 10x माइनस का 10y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना सर, कोई बीएसनेस? बेटा बीएसनेस अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में मतलब कुछ क्वेश्चंस में लगाऊंगा मैं बीएसनेस, अपना लॉजिक आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो, तो तीन तीन दो दो लाइन में। लेकिन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो क्या होता है ना, दो चीज़ें आप याद रख लो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। एक तो जब भी अब आप क्योंकि इतने दिन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया आपने, सर्कल ऑलमोस्ट ठीक है ना खत्म होने ही वाला है। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के अंदर कम से कम चीज़ें दी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको पहले से याद हैं तो आप लगा दोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कम कम चीज़ें दी होती हैं, जैसे कुछ चार दो तीन चीज़ें दे दी, दो तीन आपने खुद से निकाली तब जाके क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा जितने भी रिजल्ट हैं, जितने फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको याद हैं तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन, अगर ड्राइव करने लग गए उन्हें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका मेमोरी का साथ में होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, प्लस आपको अगर मेमोरी साथ होगी तो आप वो रिकॉल कर पाओगे कि क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस तो खैर चाहिए ही, वो तो खैर चाहिए। ओके, तो एस वन प्लस लैम्डा एस टू जो होती है इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, यहाँ पे कर दिया मैंने। इसके बाद इसे थोड़ा रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ, वाई स्क्वायर वालों को एक तरफ, एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ, कॉन्स्टेंट अलग। सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशियंट का आधा एंड वाई के कोफिशियंट का आधा विद माइनस साइन। अब ये जो सेंटर है वो किस लाइन पर लाई करेंगे, वाई कोस टू एक्स वाली लाइन पर। वाई कोस टू एक्स पे मतलब हो गया कि ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों को इसमें रख दो। तो वाई की जगह पे ये रख दिया मैंने, एक्स की जगह पे ये रख दिया, दोनों आ गए, यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया एंड गेट द राइट आंसर। ओके क्लियर। एंड द नेक्स्ट प्रोफाइल का जो क्वेश्चन है इस पर बन सकता है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, अगर एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें थोड़ा डिफरेंट सा, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू 3 प्लस पी एक्स प्लस टू 3 माइनस पी वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल फॉर ऑल पी। ये जो होता है ना उल्टा ऐसा जो मैंने बता दिया है, ये होता है फॉर ऑल पी passing through the fixed point and also find the fixed point, and also find the fixed point। ठीक है बताइए सब। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कि प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल फॉर ऑल पी पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द फिक्स पॉइंट। ये इक्वेशन एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जो कि फिक्स पॉइंट से पास करेगा पी की हर एक वैल्यू के लिए, और अगर ऐसा है, अगर आपने ऐसा प्रूफ कर दिया है तो आपको ये बताना है फिर कि वो फिक्स्ड पॉइंट क्या आएंगे, जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, फिर ये आपने बताना है। बिल्कुल विमोही वही यूज करना है, करो।
बिल्कुल अभिषेक, उसी से होगा। करो सॉल्व। और तो इसमें क्वेश्चन कुछ है नहीं। अच्छा, ओके। थोड़ा आइडिया दो ना। ओके, सब आइडिया चाहिए आपको। वॉट एन आइडिया सर जी, हिंट चाहिए आपको, हिंट चाहते हैं आप लोग। यह लीजिए, हिंट लीजिए साहब। एस प्लस लैम्डा एल इक्वस टू जीरो, ये पढ़ाया था आपको। ऐसा कुछ प्रूफ कर दो आप। एस प्लस लैम्डा एल इक्वस टू जीरो, ऐसा कुछ प्रूफ कर दो। समझ रहे हो बात को? अगर आपने ऐसा कुछ प्रूफ कर दिया तो अपना काम चल जाएगा। और हम थोड़ा सा खुश हो जाएगा। हाँ जी, अरे नहीं समझे का बबुआ, नहीं समझे का। चलो साहब, ठीक है ना, अब अपनी ओरिजिनल चीज़ पे आ जाते हैं। ओके, तो नाउ, अब अगर मैं इसे, इसमें मुझे एक एक लैम्डा की जगह काम करने वाला एक जो पैरामीटर है वो पी दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ करते हैं कि इस इक्वेशन को ना मैं सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, प्लस यहाँ से मैंने 6x लिख लिया, प्लस यहाँ से मैंने 6y लिखा, एंड देन प्लस 4 प्लस, और यहाँ पे मैंने लैम्डा की जगह p लिखा, प्लस p, ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू जीरो। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि अगर हमने इसमें से p वाले जो टर्म है उनको अलग किया तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ भाई नील, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इतना कर लिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार? ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एस और एल को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि ये किसकी इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल। भाई है कि नहीं है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे? ये रिप्रेजेंट करेगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। हाँ या ना? तो ये तो फिक्स पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये तो फिक्स पॉइंट से ही पास करेगा फिर, अगर लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से ये आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी, इसमें कौन सी बात हो गई? इसे तो बस आपको रीअरेंज करके ही लिखना था भाई। क्यों बच्चों? ठीक है, पॉइंट कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। पॉइंट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो ये जो दो पॉइंट हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन ये है। अब ना पॉइंट के लिए क्या करेंगे यार? सॉल्व एल इक्वल टू जीरो एंड वाई, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। सॉल्व लाइन एंड सर्कल, सॉल्व लाइन एंड सर्कल फॉर पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के लिए दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। देन द लाइन इक्वल टू क्या है? एस इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो। नाउ एल इक्वल टू जीरो का मतलब समझ रहे हो यार आप? क्या है? एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है ना? एक्स इक्वल टू वाई इसमें रख दो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देन दिस इज 2x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, देन x² प्लस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। कितने लोगों का बात समझ में आ गई?
ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इमेजनरी वैल्यूज आ रही हैं, इमेजनरी वैल्यू कैसे आ गई भाई यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस का 4ac यानी कि 8 अपॉन 2a, क्लियर, x की वैल्यूज ये आ जाएंगी। अरे श्री धराचार्य महाराज की जय हो, सुना है ना, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 6 प्लस माइनस, अरे 36 में से इसे माइनस करो भाई, कितना आता है, कितना आता है, 28 आता है क्या, 28 अपॉन 2, 7 इंटू 4 इज 28 होता है, तो फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस, और कितना आ रहा है, 7 इंटू 4 रूट 7 आ रहा है, ठीक है ना, 7 इंटू 4 इज 28 होता है, तो 3, तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, a के कोऑर्डिनेट आ गए भाई, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास, क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे अब, तो माइनस का 3 प्लस का रूट 7 एक, और एक माइनस का 3 प्लस का रूट 7, और b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का रूट 7 और माइनस का 3 माइनस का रूट 7। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, कोई बात नहीं, कर ले गलती से मिस्टेक, वो भी अच्छा ही होता है कभी कभी तो, ठीक है। हाँ भाई बताइए, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, अयन बात समझ में आई क्या, ओहो ये कौन है यार, 1GKDQ2BST, ओहो आपका ही तो इंतजार था हमको, महक मोयन नचकेत नेल ओम पार्थ पीयूष प्रणय पूर्वी सार्थक ओम, ठीक है ना, वेदांतु मयंक, भाई कितने लोगों को बात समझ में आ गई जल्दी से बताओ। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिसाइड किया है आपने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक, आप लोग भी काफी बोर हो गए हो ना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते पढ़ते, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, अरे एक्स की वैल्यू आ गई, अब जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की आएगी, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है भाई, इस लाइन की इक्वेशन तो वाई इक्वल टू एक्स है ना, तो वाई इक्वल टू एक्स है, तो जो एक्स होगा वही वाई होगा यहाँ पे, जो एक्स होगा वही वाई होगा, बस उठा उठा के रख दिया मैंने एक एक करके, चिराग मैंने बताया था ना, अब यार इसमें अब बताओ कब कब होगा वो चिराग तुम बता सकते हो कोई डेट है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, क्या पता अपने को कब क्या होगा, तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी, एनिमेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से है ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना ऑनलाइन भी उतना ही स्मूथ है जितना ऑफलाइन होता है, ओके। सर लाइन एंड सर्कल का पॉइंट, अरे ये लाइन और ये सर्कल आपस में दो जगह पे कट करेंगे, एक ए हो गया एक बी हो गया, दो जगह पे कट करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, एक ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे है ना, अब ये सर्कल और अगर मैं लाइन को दोनों को एक साथ सॉल्व कर लूँ, तो मैंने एस इक्वल टू, ये एस इक्वल टू जीरो था और ये एल इक्वल टू जीरो है, इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है आपको, दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व कर दो, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, ठीक है ना सर, DPP3 चाहिए और DPP2 और DPP1 के सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा, वही तो मैं बात कर रहा था, DPP रेडी हो चुकी है अपनी, 250 क्वेश्चंस की एक जबरदस्त सीरीज, ठीक है, आप बस इंतजार करो, आपको सेंड करता हूँ, ठीक। चलिए तो यार ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने कर लिए, ओके ना, अभी हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर ऑर्थोगोनल सर्कल, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है ना सब, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक, आज तो ब्रेक थोड़ी ना है, आज तो ऑलरेडी लेट हुआ था, जो ब्रेक है वो मैं पहले ही दे चुका हूँ आप लोगों को, आज तो कोई भी ब्रेक नहीं है, ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है ना, अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है,
हाँ भाई, ये ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है आप बताएंगे क्या मुझे? ये वाला बैकग्राउंड रखते हैं यार, ठीक है ना? ये वाला बैकग्राउंड रखते हैं बच्चों, ठीक। ऑर्थोगोनल का मतलब समझाओ आप लोग मुझे। चलो यही रखते हैं। ओके ओके, ऑर्थोगोनल मतलब कुछ 90 डिग्री जैसा कुछ होता है ना, मतलब ये जो है इसका जो मीनिंग है वो कुछ 90 डिग्री जैसा होता है कि भाई 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना? तो अब ये ऑर्थोगोनल जो है उसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री होगा, यानी कि दो सर्कल जो होंगे वो 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल एट 90 डिग्री एंगल। अब यार दो सर्कल का 90 डिग्री पे कटने का क्या है मतलब? दो सर्कल आपस में 90 डिग्री पे किस तरीके से काटेंगे? अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है अपने पे कि आखिरकार दो सर्कल 90 डिग्री पे किस तरीके से काट सकते हैं। तो जैसे सर्कल वन, ओके, ये हो गया अपने पास सर्कल वन। क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है सर्कल वन? ठीक है ना? फिर हमने बोला कि एक सर्कल टू ले लो आप। ओके, तो कुछ इस तरीके से दूसरा सर्कल आ जाएगा अपने पास। अब ये जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई ये तो बता दो कि ये 90 डिग्री पे किस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो सर्कल का 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने का, जैसे ये मैं बोल देता हूँ सर्कल इज एस वन, ठीक है बच्चों? ये यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया एस वन सर्कल, एस वन इक्वल टू जीरो। इस सर्कल की इक्वेशन को मैंने बोल दिया एस टू इक्वल टू जीरो। क्लियर? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना इसमें? ये दो सर्कल हो गए, ठीक है ना? ओके, अब यार ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना इसमें 90 डिग्री पे कट हो रहा है, एंड ऑल्सो फॉर दिस पॉइंट ए और बी दोनों पे, ठीक है ना? ये ए पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे। अब इनका 90 डिग्री पे कट करने का मतलब होता है कि जो इस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना, जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चों यहाँ पे, ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे। ये किस सर्कल के लिए है? पिंक वाले सर्कल के लिए टेंजेंट। और एक टेंजेंट आपने इस येलो सर्कल के लिए ड्रॉ किया, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया फॉर येलो सर्कल, ये आपने ड्रॉ कर दिया साहब इसके लिए। ये दो टेंजेंट दिखाई दे गए आप लोगों को, कितने लोगों को यहाँ पर दो टेंजेंट ये दिख गए? क्लियर? अब ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? तो ये जो सेंटर था इसे मैंने सी वन मान लिया, सेंटर नंबर वन। ये जो सेंटर था इसे मैंने सेंटर टू मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट को आप कुछ मान लो, ठीक है ना? लाइक जी वन जी टू एंड जी वन एफ वन, या अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू, इस तरीके से आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है? तो यहां से इसके सेंटर कुछ मान लो, आप क्या मानोगे इसके सेंटर्स? लेट्स से दैट इज जी वन एंड एफ वन, इस तरीके से कुछ मान लो, है ना? और इसके, चलो ठीक है, अभिषेक ने बोला जी वन एफ वन, तो जी वन एफ वन, इसके जी टू एफ टू। क्लियर? ये हो गया, बात आ गई समझ में। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? एक लाइन से सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया इस तरीके से ना। तो यहां पर जो एंगल है ना, एंगल कौन सा वाला? सी वन ए सी टू, दैट इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना? ये हो गया। ये जो रेडियस है दैट इज आर वन, क्योंकि सर्कल वन के लिए ये रेडियस हो गई आर टू आपकी। क्लियर भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी लाइन, ठीक है ना, अगर इस पर इस सर्कल पर कोई भी लाइन, अगर आपने ये ड्रॉ किया है सर्कल में और ये सेंटर से अगर पास हो रही है, तो क्या ये इस सर्कल का नॉर्मल होगा कि नहीं होगा?
ये नॉर्मल ऑफ एस टू कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? भाई अगर कोई भी आपकी लाइन है जो कि सेंटर से पास करती है और वो इस पर टेंजेंट है, तो क्या ये नॉर्मल भी होगा? ये तो सर्कल का, यानी कि ये जो था वो क्या था, टेंजेंट एट एस वन, ये टेंजेंट एट एस वन भी है, टेंजेंट एट एस वन और ये नॉर्मल एट एस टू भी है। ये जो है वो टेंजेंट एट एस टू भी है और ये क्या है, ये नॉर्मल भी है। ये जो है वो क्या है, ये नॉर्मल भी है, नॉर्मल फॉर एस वन है कि नहीं है? इतना सोच के बताओ आप लोग, क्या ये है कि नहीं? ठीक है ना भाई, यानी कि पहले का टेंजेंट दूसरे वाले के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। क्लियर? हाँ बच्चों, सभी लोगों का आंसर चाहिए? सिर्फ एक ने आंसर दिया है अभी तक, फिर बाद में पूछोगे कैसे हो गया सर। अगर कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास करती है, ठीक है, तो नॉर्मल होता है, क्या होता है, सर्कल के केस में हमेशा ही सेंटर से पास करता है। क्लियर? तो ये हो गया, वैसे तो मैंने लिख दिया है, खैर ओके। अब नाउ समझ लेते हैं ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। तो अगर मोटा मोटा मतलब समझें इसका, तो क्या हो गया, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री इफ द एंगल बिटवीन the tangents at the point of intersection of circles is 90 degree। Clear? If the angle between the tangents at the point of the intersection of circles is 90 degree is called orthogonal circle। orthogonal circles। ठीक है ना, और कॉल्ड orthogonal circles। ये क्या कहलाएंगे भाई, orthogonal circle कहलाएंगे आपके। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई? ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होंगे, अगर आपने दो सर्कल लिए, उनके जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं उस पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल था दैट इज 90 डिग्री, देन द सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ एक बात बताओ आप, ये जो एसी है, यानी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C1 टू द सर्कल सेकेंड दैट इज R1 ओके एंड R2 हो जाएगा ये। तो C1A जो है वो कितना है अपने पास, मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, C1A कितना है, C1A इज इक्वल टू R1 एंड C2A इज इक्वल टू R2। ठीक है ना, C1A इज इक्वल टू R1 एंड C2A इज इक्वल टू R2। क्लियर भाई? ओके, कितने लोगों को ब्रेक चाहिए? हाँ भाई, कितने लोगों की डिमांड है कि ब्रेक करें? ठीक है ना, नहीं सब लोग मना कर रहे हैं, चलो ठीक है ना। तो C1 ये हो गया। तो अब मैंने आपसे बोला बच्चों, इन ट्राइंगल C1 C2A, हाँ ठीक है, C1 C2A। अब C1 C2A में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, C1 C2A तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? तो अगर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो कितना हो जाएगा, C1A का स्क्वायर प्लस C2A का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई, आराम से बताते जाओ आप, क्या ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्लियर? तो अब ये हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर इसका प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, C1 C2 स्क्वायर है। क्लियर? तो एक बात बताओ, क्या आप यहां से ऐसे नहीं लिख पाओगे क्या कि सर C1A स्क्वायर इज नथिंग बट R1 स्क्वायर प्लस ये R2 स्क्वायर एंड C1 C2 का स्क्वायर हो जाएगा G2 - G1 का स्क्वायर प्लस F2 - F1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, होगा कि नहीं होगा? यही होगा इतना। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब इसे ना मैं यार यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ।
ठीक है चलो ये आ गया ना बच्चों। अब देखो इसमें इसे सॉल्व कर लो आप लोग, ये हो जाएगा यार आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी टू स्क्वायर प्लस जी वन स्क्वायर माइनस का टू जी वन जी टू प्लस एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर माइनस का टू एफ वन एफ टू। क्लियर है? क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद क्या कैलकुलेशन आप खुद भी को सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसमें इतना कुछ खास बचा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। ओके और ये यहाँ पे आपका इतना आ गया, अभी जो आपका कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक, अब आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा था, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ इसे, मैं इस टू जी वन जी टू को इधर लेके जा रहा हूँ, तो टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू मैं इसे इधर ले गया, और यहाँ पे मैंने बोला कि यार जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस का आर वन स्क्वायर कर दिया, इस आर वन को मैं इधर ले आया, प्लस इधर क्या था जी टू का स्क्वायर था प्लस एफ टू का स्क्वायर था, और इस आर टू को मैं इधर लाया आर टू स्क्वायर। तो क्या ये वाला जो है वो सी वन बचेगा कि नहीं बचेगा? तो दैट इज सी वन, यानी कि ये सी वन हो गया और प्लस ये सी टू हो गया। याद है ना आपको क्या होता था? याद है ना आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था। याद करो रेडियस, याद करो, याद करो जल्दी से, ये होता था है ना। तो दैट इज सी वन एंड सी टू, और ये हो गया आपके पास टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू दिस। क्लियर? तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, व्हेन द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो कुछ इस तरह की चीज़ अपने पास आ जाएगी रिजल्ट के तौर पे। ठीक है भाई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। सी वन इज द कांस्टेंट, यहाँ पे सी वन जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर? सी टू जो कांस्टेंट है, सर्कल की इक्वेशन में होता है ना सी वन सी टू, वो वाला है। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ आ गया? अगर आपको सी वन सी टू से कंफ्यूजन हो जाए किसी बच्चे को बेवजह, तो यहाँ पे फिर मैं ओ वन ओ टू लिख देता हूँ। मतलब किसी को इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर सी वन तो सेंटर लिया था आपने, कल को आप मुझसे पूछने लग जाओ, तो फिर इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे ओ वन लिख देता हूँ, ओ टू लिख देता हूँ। ठीक है ना, बस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप में से कोई पूछ सकता है ये सवाल कि सर सी वन तो सेंटर था वो कैसे आ गया, तो इस समस्या से बचने के लिए इसका जो समाधान है वो ये है कि हम ओ वन ओ टू ए इन ट्राइंगल ओ वन ओ टू ए, ओ वन ए का स्क्वायर प्लस ओ टू ए का स्क्वायर इज ओ वन ओ टू, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? ठीक, अब दिक्कत ही ख़त्म हो गई। ठीक है भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपने जो सेंटर है ना वो माइनस जी वन माइनस जी टू और माइनस एफ वन माइनस एफ टू लिए तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन पे? अगर आपने सेंटर जो है वो माइनस जी वन और माइनस एफ वन माइनस जी वन माइनस जी टू माइनस एफ वन माइनस एफ टू लिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आंसर पे? सेम ही आएगा। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जी वन इंटू जी टू माइनस इंटू माइनस इस प्लस हो जाएगा, एफ वन इंटू एफ टू तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा है ना चीज़ें। तो अगर आपके दो सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो दोनों ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे। ये आपको याद रखना है, जो भी मैं चीज़ें बॉक्स में बनाता हूँ ना वो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? जो भी चीज़ें मैं बॉक्स में बनाता हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो एंड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो आर ऑर्थोगोनल सर्कल आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा, अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा इज 46, ओके लैम्डा इज 46, एक का आंसर 46 आ रहा है ओम का। पार्थ का आंसर इज माइनस का 46। अच्छा जी, माइनस का 46। कुणाल माइनस 46, चिराग माइनस 46, ओके। विधि का आंसर इज माइनस का 46। अयन लौकिक वेरी गुड माइनस 46। अब आंसर तो देखेंगे है क्या है, विमोही इज माइनस का 46। सार्थक नचकेत एंड प्रियांश माइनस 46। चलिए सब, अब तो आप सब लोगों का आंसर आ ही गया है ऑलमोस्ट, तो अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसे। नाउ इफ द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन द कंडीशन इज 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। नाउ 2 × g1 इज वॉट माइनस का 2 एंड g2 इज वॉट 4 प्लस 2 × f1 कितना है बच्चों माइनस का 3 एंड f2 इज वॉट माइनस का 5 इज इक्वल टू c1 इज 0 प्लस लैम्डा। ये कितना हो जाएगा 4 × 16, तो माइनस का 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, f1 f2 है ना, f2 इज प्लस 5, ठीक है ना, f2 इज प्लस 5 माइनस का 10 प्लस 30, 30 हो गया इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज 46 माइनस का, तो लैम्डा इज माइनस का 46, लैम्डा इज माइनस का 46। क्लियर, लैम्डा इज माइनस का 46, तो ये अपने पास राइट आंसर आ रहा है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि जो लैम्डा है वो माइनस का 46 आ रहा है भाई। ओके, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप लोगों को, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? माइनस 46 क्या इंडिकेट करता है? माइनस 46 ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने यहाँ पे लैम्डा की जगह माइनस 46 रख दिया, तो जब ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो टेंजेंट जो आएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पर, वो 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे। ये इंटरसेक्ट, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये तो यार 90% खत्म हो गया आपका चैप्टर, ठीक। अब ऑर्थोगोनल सर्कल जैसे हो गया, ऑर्थोगोनल सर्कल में क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब ये जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, सब यार जेई एडवांस लेवल के टॉपिक हैं, मतलब वहाँ पे इनके क्वेश्चंस आते हैं सब अच्छे तरीके से ना। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको आगे चल रहे हैं अब, तो स्पेशली फॉर जेई एडवांस लेवल, ठीक है। जेई मेन में जो क्वेश्चन आता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा कि वो एंगल वेंगल पूछ ले आपसे ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हाँ, जेई एडवांस में तो आप समझते ही हो
कि लिमिट नहीं है, वो तो पूछ ही सकते हैं, तो वही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका जेई एडवांस जो है वो अभी इतनी जल्दी है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सबको छुड़वा के जाना है मुझे। तो अब ऐसे भी मैं, ये मेरी हैबिट नहीं है कि मैं आधी चीज़ें छोड़ के चलूँ, तो कम्प्लीट ही चलेगा, इसलिए पूरा ही पढ़ाया जाएगा आपका, है ना। ये तो अभी जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है, दैट इज़ एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ठीक है ना। इसी के अंदर नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है ना। जैसे अभी जो इंटरसेक्शन था ऑर्थोगोनल के अंदर दो एंगल दो सर्कल्स के बीच में, वो कितना था बच्चों, अभी जो हमने बात की थी इस केस में, इससे पहले वाले ऑर्थोगोनल के केस में जब हमने बात की थी, द एंगल बिटवीन द टू सर्कल कितना था, 90 डिग्री। तो स्पेशल अगर 90 डिग्री था तो वो सर्कल्स ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाए, क्लियर, अगर 90 डिग्री था तो। लेकिन अगर कल को मैं बोलूँ कि यार मुझे 90 लेना ही नहीं है, कुछ और बताओ आप, तो 90 के अलावा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, तो 90 के अलावा अगर कुछ और आता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये है बात है, क्लियर। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, वो है, और इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है। आप सब लोग जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। बिल्कुल जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो थोड़ा समझ लो, है ना, अच्छे तरीके से। जैसे यार मैंने यहाँ पे ना सर्कल ड्रॉ किए पहले, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सर नहीं नहीं हम तो जेई एडवांस वाले हैं ही नहीं, हम तो जेई मेन वाले हैं, ठीक है, मेन में भी आ सकता है पर बहुत कम चांसेस हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन के, तो ठीक है। सर्कल वन एंड सर्कल टू, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। नाउ फिर से वही कहानी है, अपने को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, कि टेंजेंट बताने हैं, और जो टेंजेंट से उनके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से अलग आएगा, ओके। तो यार मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस लाइन पे, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना यार, है ना, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है इस समय। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ से, इसे ना मैं थोड़ा सा और खिसका देता हूँ यार, इस सर्कल को इस तरीके से कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ से यार एक टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, ये वाला, ठीक है ना, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इसकी जो लेंथ है ना इसे मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ पे, वेयर इज, क्या हुआ यार इसमें नहीं है क्या, इसमें एक सेकेंड, यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ तो है, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं इसको, ओके भाई, ये इस टाइप से, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास एक टेंजेंट जो कि हमने इस सर्कल टू पर ड्रॉ किया है। ये जो S2 सर्कल है ना, ये वाला जो मेरे पास S2 सर्कल है, इस S2 सर्कल पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके। नाउ उसके बाद मैंने इस S1 सर्कल पर, इस S1 सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका S1 सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ओके। ये अपने पास था S1 इज इक्वल टू जीरो। अभी ये जो दोनों मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये दोनों नॉर्मल थोड़ी ना होंगे। अब जैसे ये इसका सेंटर है, दैट इज O2, और ये इसका सेंटर है O1। क्योंकि भाई अगर 90 डिग्री एंगल होता, नॉर्मल बनता, तभी जाता ना सेंटर से होके, तो
अब नॉर्मल थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि अभी जो एंगल है ना वो क्या है, दैट इज अल्फा। तो मैं अल्फा को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ना पूरा, यह मान लो कुछ, चलो इसे मान लेते हैं हम थीटा, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया भाई इन दोनों के बीच का, ठीक है ना, ये कितना हो गया इसमें थीटा हो गया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इन सेंटर्स को आपस में मिला दिया O1 O2 को, जो मैंने इन सेंटर्स को आपस में मिलाया O1 O2 को इस तरीके से, कुछ मैंने इन O1 O2 को मिला दिया यहाँ पे, क्लियर। और अगर मैंने O1 से यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि इसके टेंजेंट बनाया इस पे, ये जो टेंजेंट था ना इससे लाइन ड्रॉ की, कौन सा कलर चूज़ करूँ यार, रेड ही कर लेता हूँ, यहाँ से ये जो पॉइंट था इससे इसे मिला दिया, ये हो गया, और मैंने इससे इसको मिला दिया, ये हो गया, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, ये आ गया भाई अपने पास, ये सर्कल बन गया अब अपने पास एक कंप्लीट, जो ऐसा कि मुझे चाहिए था। ओके, ये मेरे पास R1 है एंड ये मेरे पास R2 है, ठीक है ना, ये हो गया। ये एंगल मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा, ये एंगल 90 होगा यहाँ पे। ओके, ये एंगल कितना होगा आपके पास इस तरीके से, ये एंगल 90 होगा। अच्छा, ये रेड वाली लाइन और ये इसके बीच का एंगल भी 90 होगा ये, ठीक है ना, ये दोनों रेड लाइंस के बीच का जो एंगल था वो मैंने अल्फ़ा ले लिया, वो अल्फ़ा होगा कुछ, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इस एंगल को मैंने अल्फ़ा बोल दिया भाई, और ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल था वो थीटा मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा अंदर वाला, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा हो जाएगा, और ये पता नहीं किस कलर से दिख पाएगा यहाँ पे, ये वाला जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो थीटा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार इसको, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे जूम करके इसे दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, देखो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी, ये मैंने जूम कर दिया थोड़ा, ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा, अभी आप जूम करके देखोगे तो आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ये है, ठीक, क्लियर है भाई, देख लो एक बार, सब लोगों को डायग्राम दिख गया क्या अच्छे तरीके से, ताकि फिर आप कॉपी पे बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने कौन कौन सा लिया है, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये डायग्राम अभी, ठीक, ये मैंने ओ से लेके इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट लिया था ना हमने इस पॉइंट पर, कॉपी में कैसे जूम करें सर, अरे कॉपी में तो आप खुद बना रहे हो ना, तो खुद बना रहे हो तो समझ में आ ही जाएगा कि आप कौन सा एंगल क्या ले रहे हो, दैट इज पी पॉइंट या फिर दैट इज ए पॉइंट, ठीक है ना, ए पॉइंट ले रहे हो इसको भाई, कॉपी में तो आप खुद बना रहे हो, और खुद बना रहे हो तो फिर दिक्कत ही क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये बताओ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कहाँ पे मैंने कौन सी लाइन ली है, कौन सा एंगल लिया है, ये आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है जी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे ये डायग्राम देखने में दिक्कत आ रही हो, कौन सा एंगल थीटा है, कौन सा एंगल अल्फा है, ये दोनों आपस में 90 होंगे ही होंगे, रेड वाला एंगल इस थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना भाई, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, हाँ O1 O2 सेंटर्स हैं, ठीक, बात आ गई समझ में। अच्छा, अब एक बात बताओ आप लोग, ध्यान से सोच के बताना, अगर इस पूरे सर्कल यहाँ पे, मतलब ये जितने भी एंगल्स हैं, अगर इन्हें मैं गोल बना देता पूरा, तो ये 360 बन जाता कि नहीं बन जाता भाई, एक सर्कल क्या होता है 360 का होता है पूरा, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, है ना, 360 डिग्री का होता है पूरा एक सर्कल, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एंगल अल्फा है ये तो 90 है यहाँ पे, ये वाला एंगल इज 90, ये वाला एंगल इज 90, तो ये 90 प्लस ये 90 प्लस ये थीटा प्लस ये अल्फा, चारों मिलके 360 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ भाई चारों मिलके 360 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कुणाल क्या बोल रहे हो,
ठीक है ना, चारों मिलके बनाएंगे ना। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई ये ऊपर वाला थीटा, ये वाला 90 प्लस ये पूरा अल्फा और ये 90 आपस में मिलके 360 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का एंगल इस कितना होता है 360। क्लियर? अब मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है ना, ठीक है, थीटा को 90 होना पड़ेगा। क्यों 90 होना पड़ेगा थीटा को? अरे थीटा तो थीटा ही रहेगा, थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा प्लस 90 360 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा उसकी रियल पोजीशन पे ले आता हूँ। ओके यहाँ पर, ओके चलिए सब आ गया। तो अपने को एक बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या, कि ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा प्लस एंगल 90 प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल 90, ये सब मिलके आपका 360 बना लेंगे। क्लियर? ओके ना, फिर यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ गई कि थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो मिलके 180 डिग्री बना लेगा फिर। क्लियर? 90 प्लस 90 180, 180 उधर गया तो ये बचेगा। क्लियर? और यहाँ से अगर आप बोलो तो अल्फा इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि सर ये तो 180 माइनस का थीटा हो गया। तो अल्फा और थीटा में ये रिलेशन आ गया कि जो अल्फा है वो आपका ये हो जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो अल्फा है वो ये हो जाएगा? अच्छा, अपने को फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल है कितना वैसे, दैट इज थीटा। एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल यानी कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये जो एंगल है वही तो एंगल बिटवीन द सर्कल्स है, थीटा। के लिए अपने को थीटा निकालना है। ओके बच्चों, अल्फा अपने पास आ रहा है 180 माइनस का थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं एक डायग्राम और क्रिएट कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से है कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया यहाँ पे, ये फिर मैंने ये वाला पॉइंट लिया और फिर मैंने ये वाला पॉइंट लिया। ओके बच्चों, ये था मेरे पास और यहाँ पे मैंने ए पॉइंट बोला था, ये मैंने ओ वन बोला है, ये मैंने ओ टू बोला है। क्लियर है भाई? ये मैंने ओ वन ओ टू इस तरीके से बोला है। ओके नाउ इसे यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। अब आप एक बात बताओ कि अगर अब मैं आपसे बोलूं कि यार ये मेरे पास एंगल जो था वो अल्फा था, ये मेरे पास आर वन है, ये मेरे पास आर टू है और ये डिस्टेंस मेरे पास ओ वन ओ टू है, क्या आप यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? कितने लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना सीख लिया था, कोसाइन फॉर्मूला? ठीक है, कॉस अल्फा मतलब सामने वाला एंगल इज ओ वन ओ टू, तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस का ओ वन ओ टू का स्क्वायर, ठीक है ना, ओ वन ओ टू जो भी डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर। ओ वन ओ टू का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर वन आर टू, ये अपने पास कॉस अल्फा आ जाएगा भाई। क्लियर? ये यहां पे आपका कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो गया सब, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला होता है ये। ठीक है ना, बात आ गई ये समझ में? कॉस अल्फा आप कोसाइन फॉर्मूला से इतना लिख सकते हो, आर वन भी आपको पता है, आर टू भी आपको पता है, आपको ओ वन ओ टू भी पता है क्योंकि सेंटर पता है तो ये पता है, और डिवाइड करेंगे टू आर वन आर टू से। क्लियर? कॉस अल्फा आ गया। नाउ अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस ओ वन ओ टू का स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू। क्लियर? ये आ जाएगा ना। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो एंगल आ जाएगा आपका, तो ये माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस ओ वन ओ टू का स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू। क्लियर? एंड दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू सर्कल, ठीक है ना। ये आपका भाई आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है भाई, बात आ गई समझ में? तो आपको तो बेसिकली बस यही याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है पूरा,
किस तरीके से करेंगे। ओके, याद तो आपको बस यही रखना है कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है ना। आप अल्फ़ा याद रख लेना, अल्फ़ा के बाद आपको पता ही है कि थीटा कितना होता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो आपका ये होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है भाई। तो अगर कभी भी आपसे एंगल बिटवीन टू सर्कल पूछे तो ऑर्थोगोनल के अलावा भी आप इस तरीके से बना सकते हो। ओके, चैप्टर कब ख़त्म हो जाएगा? हो जाएगा यार चैप्टर ख़त्म, क्यों टेंशन ले रहे हो? कल टेस्ट है क्या कुछ आप लोगों का? आज है क्या? किस चीज़ का आज किसका है? आज भी नहीं है। ओके ठीक है, आज भी नहीं है ना किसी का? सही है, अच्छा अच्छा। कुणाल कोई डाउट है क्या तुम्हें? ये आपका बच्चों होमवर्क है, सो दैट द सर्कल दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। और यार कल ना मैं आपको, अब तो मतलब सब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब अच्छे लेवल के। जो भी अब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है आगे, वो मेनली इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, क्लियर? तो जेई मेन के लिए भी है पर जेई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, बहुत तगड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर? ठीक है ना, तो ठीक है, यही था अपना आज की क्लास का। ओके।